नमस्कार, मैं हूं साधना सिंह और आप देख रहे हैं IBN 9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गत वर्ष SET परीक्षा आयोजित की जाती थी और पिछले दो वर्षों में लगभग चार बार NET परीक्षा हो चुकी है। इन दो वर्षों में तमाम विद्यार्थी PhD कर चुके हैं, लेकिन अभी तक अतिथि विद्वान व्यवस्था को पुनः आरंभ नहीं किया गया है, जिसमें हम बेरोजगार घूम रहे हैं। हम UGC रेगुलेशन की समस्त न्यूनतम हर्षिताओं को पूर्ण करते हैं, फिर भी हम लोग रोजगार से वंचित हैं। महोदय, वर्तमान में जो अतिथि विद्वान व्यवस्था में हैं, उनमें लगभग 30-40% विद्वान ऐसे हैं जो UGC की न्यूनतम हर्षिताओं को पूर्ण नहीं करते हैं, फिर भी व्यवस्थाओं में बने हुए हैं। माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार जो व्यक्ति UGC, NET या PhD नहीं करता है, वह विद्यालय में पढ़ने योग्य नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा उन्हें लगातार व्यवस्था में बनाए हुए हैं। यह न केवल UGC रेगुलेशन के खिलाफ है, बल्कि माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना भी की जा रही है। इसके खिलाफ ओल्ड GDC क्षेत्रीय अतिरिक्त उच्च शिक्षा कार्यालय राकेश चौहान को ज्ञापन सौंपा गया। हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के सभी नेट सेट PhD बेरोजगार शोधार्थी हैं, और जो अभी फिलहाल में अतिथि विद्वानों की जो भर्ती प्रक्रिया की जा रही है, उसमें हम भी नेट सेट PhD योग्यताधारी उनको मतलब अलाउ नहीं किया जा रहा, तो हम यहाँ पर हमारी मांग को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो हम सरकार से ये अपील करते हैं कि हम जो योग्यताधारी है नेट सेट PhD, हमको भी उसमें सम्मिलित करने का मौका दिया जाए, इसलिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जी हाँ, इससे पहले हम संडे के दिन माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी जी के यहाँ हम गए थे और वहाँ पर हमने ज्ञापन दिया है। ऐसे उन्होंने आश्वासन नहीं, अभी तक कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला हमें। और आज आप कहाँ पर यहाँ पे कई के लिए आए थे? अब यहाँ पर हम ज्ञापन के संबंध में ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी तो मतलब ये मांग है कि जो उच्च शिक्षा विभाग से जो गेस्ट फैकल्टी की जो मांग निकाली गई है, उसमें हमको भी सम्मिलित किया जाए, क्योंकि हमें वहाँ उसमें हमको मौका नहीं दिया जा रहा, क्योंकि हम भी नेट सेट PhD धारी हैं और बेरोजगार हैं, और तीन साल से गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी आ नहीं रही और निरंतर उन्हीं लोगों को रखा जा रहा है, तो हमें भी शामिल किया जाए, इसलिए हम यहाँ एकत्र हुए। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ IBN 9 न्यूज़ में।